सो so गाइस ये है टी वी एस के पास ये आर थ्री टेन स्टेट मतलब कि आर आर थ्री टेन का नेकेट वेरियंट अब ये जो बाइक है ना भाई इसकी फ़ोटोज़ टी वी एस ने खुद शेयर किए हैं मतलब कि ये बाइक जो है ना टी वी एस ने ऑफिशियल इससे पहले ने हमने टीज़र देखा था वो टीज़र में जो बाइक काफ़ी खतरनाक का लग रही थी बाइक में कोई भी कमियाँ मैंने देखने को मिल लेकिन भाई टीजर में भी कन्फ्यूज़न थी टीज़र में जो एक्जोस्ट दिखाया था ना लेकिन भाई जो रियल एक्जोसट है ना फ़ोटोज़ में हमें पता चल चुका है रियल इसमें आ रहा थ्री टेन वाला एक ही एक जोस्ट मिलेगा वही सेम साउंड मिलेगी डिफरेंट है तो सिर्फ और सिर्फ इसकी बॉडी फेयरिंग से भाई इसको निकेट मिला दिया इंजन टायर साइज भी सब कुछ सेम है भाई जो भाई सस्पेंशन से सेटअप है वो भी सेम है हेडलाइट इसकी पूरी चेंज है पूरी एल में होने वाली है जो साइड डिज़ाइन है पूरा चेंज होने वाला है पूरा के डिज़ाइन बना दिए गए अभी जो इसको कवर किया गया है भाई क्योंकि अभी लॉन्च इसकी नहीं हुई है जब लॉन्च आएगी इसके बाद इसका रिविल कर देंगे उसके बाद आपको चलेगा बाइक का लुक कैसा है कैसे ग्राफिक्स हैं जो आर आर आ रिटर्न आती है उससे बेहतरीन है नहीं फिर पता लगेगा जो भाई बट वही है ना भाई आर आर थ्रिटन नाम से बिकती है और ये अपनी क्वालिटी से बिकती है इसकी जो बुकिंग्स ओपन हो चुकी है बाकी भाई इसकी ना एक और इमेज निकल के आई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों जो फोटोज़ हैं ना वो लाइक अपाची जो इनका पेज है इंस्टा पे उस पेज पे पोस्ट किया है थ्री टैन सी इसका इंजन है ये पूरा जो वही सेम पावर स्पैक्स वगैरह सब से कुछ सेम रहेगा कोई भी बदलाव नहीं होने वाला इसमें फ्रंट में मिलेंगे टायर साइज वगैरह कुछ लोग सोच रहे हैं यार इसकी बट बत आपको बता दो इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली सेम आर रहा थ्री टैन वाली रहने वाली है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है बट ऐसा नहीं है भाई कि बिल्कुल ही रॉकेट बना दे से उससे ऊपर चली जाएगी आपको बता दो तो टॉप एंड तो भाई आर थ्री टेन में ज़्यादा मिलेगा मेनली क्या है ना आपको इस बाइक का पिकअप ज़्यादा मिलेगा क्यों क्योंकि इसका जो वेट है ना वेट कम है उसकी वजह से आपको पिकअप ज़बरदस्त मिलने वाला है इस बाइक में डिज़ाइन वाइज कोई भी कमी आपको नहीं लगेगी क्योंकि भाई डिज़ाइन जो है टी वी एस ने अब की वार काफ़ी ज़बरदस्त बनाया है इस डिज़ाइन को जो है ना आने वाले कम से कम दस साल में भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इनको क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने इतना फ्यूचरिस्टिक लुक दे दिया एलोविल डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका पीछे जो, जो टेल लाइट है ना भाई एल ई टेल लाइट काफ़ी डिफरेंट है तो ये सारी चीज़ें हैं ना भाई कंपनी जल्दी से देती थी जो कोस्ट कटिंग का कर देती थी थोड़ी बहुत पर टी वी एस ने भाई हर जगह एल ई डी का यूज़ किया गया है हर जगह जो है फ्यूचरिस्टिक प्रीमियम पार्ट्स यहाँ पर लगाए गए हैं कहीं पर भी कोई कंजूसी नहीं कर रखी नहीं कोई कोस्ट कटिंग सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इसमें और लाइक बदलाव का नशा जो एक्जोस्ट डिज़ाइन है ना यार वो चेंज कर देना था क्योंकि यार वो बिल्कुल भी अच्छा इसमें नहीं लग रहा है ये जो फ़ोटो है ना इसमें आप देखो पूरा मोडिफाइड एक्जोस्ट लगा हुआ है और बेटर साउंड बट ये भाई इलीगल है आप तो करा नहीं पाएंगे तो भाई कंपनी को ही जो कुछ ऐसे देना चाहिए जिससे कि साउंड बढ़िया भी निकले और भाई लुक भी काफ़ी अच्छी रही है आ थ्री टेन की साउंड भी भाई इतनी अच्छी लगती नहीं मुझे इसमें जो एग्जॉस्ट लगाया ना भाई ये इसमें सीरियसली काफ़ी ज़बरदस्त आवाज है भाई बट अलग से लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है कहीं पर भी आपका चालान कट सकता है तो आपको बता दूंगा इस टी की जो बाइक है थाईलैंड में लॉन्च होने वाली है छः सितम्बर को आप लोगों से मैं मिलता हूँ लॉन्च वाले दिन लॉन्च वीडियो के साथ कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना और आ रहा थ्री टेन की तो उसे चार हज़ार यानी कि कमी रहेगी पाँच दस हज़ार रुपये उससे तो फिर देखते हैं भाई क्या प्राइस रहेगी इसकी तब तक तो के लिए जय जबार थैंक यू सो मच